फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, हम बात करेंगे आज ग्रीन टी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हमने ब्लड प्रेशर, शुगर, वेट लॉस, एक्सरसाइज, इन सब के बारे में कई मिथ्स, मिसअंडरस्टैंडिंग और गलत धारणाओं को दूर करने के लिए बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल पे ऑलरेडी डाले हुए हैं। लेकिन दोस्तों, आप में से ही किसी एक सज्जन ने हमसे ग्रीन टी के बारे में पूछा, तो हमने ये वीडियो बनाया है ग्रीन टी पे। अगर आप भी हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरा ये चैनल डॉक्टर एजुकेशन और बेल का आइकन दबाइए ताकि आप आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। दोस्तों, ग्रीन टी के बारे में इतना कुछ गलत लिखा जा रहा है और इंटरनेट पे या वीडियोस में आप पढ़ सकते हैं, बिना किसी साइंटिफिक रिसर्च, बिना किसी लॉजिक के वो लोग बस कह देते हैं कि ग्रीन टी है तो अच्छी है। उसको कई लोग वजन कम करने के लिए यूज कर रहे हैं, कई लोग कैंसर से बचने के लिए, कैंसर ठीक करने के लिए यूज कर रहे हैं, कई लोग सर दर्द के लिए, पेट के लिए, फलाना ढमकाना, लाइफ बढ़ाने के लिए यूज कर रहे हैं। दोस्तों, लेट मी टेल यू, ग्रीन टी या ब्लैक टी, दोनों ही टी एक ही चाय के पौधे से बनाई जाती है जिसका नाम है कैमेलिया साइलेंसिस। और ग्रीन टी बनाने के लिए उस चाय की फ्रेश लीव्स को लाइटली स्टीम किया जाता है, तो बनाने का तरीका अलग है लेकिन है वो सेम चीज। और दोस्तों, ग्रीन टी पे काफी ज्यादा रिसर्च, मेडिकल रिसर्च चल रहा है, हो भी चुका है, और इस रिसर्च के बारे में आप यूएस इंटरनेशनल मेडिकल लाइब्रेरी की वेबसाइट पे, इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं कि एक्चुअली ग्रीन टी का क्या इफेक्ट्स प्रूव किया गया है और क्या इफेक्ट्स नहीं है। दोस्तों, मैं जो आपको अब बताऊंगा ये रेफरेंस है यूएस नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी से। इंटरनेट में अगर आप ग्रीन टी के बारे में पढ़ेंगे तो 10,000 आर्टिकल्स मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे जो अनगिनत चीजें कहेंगे। लेकिन दोस्तों, ग्रीन टी के बारे में जो फैक्ट्स हैं, जो प्रूवन चीजें हैं, वो ये है। नंबर एक, कहते हैं कि ग्रीन टी आपकी मेंटल अलर्टनेस बढ़ाती है, आप फ्रेश फील करते हैं, ये सच है, क्योंकि ग्रीन टी में कैफीन होता है। जी हाँ दोस्तों, ग्रीन टी में भी कैफीन होता है, ब्लैक टी में भी कैफीन होता है। कैफीन के वजह से आपकी अलर्टनेस बढ़ती है, ये अलर्टनेस ब्लैक टी में भी बढ़ती है, तो नॉर्मल चाय भी वही काम करती है। दूसरी बात, ग्रीन टी से कहते हैं कि कैंसर का रिस्क कम होता है या कैंसर के इलाज में फर्क पड़ता है, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं प्रूव हुआ है। अब तक जितने भी रिसर्च किए गए हैं कैंसर और ग्रीन टी से लेके, उनमें ये रिसर्च में ना ही वो कैंसर के इलाज में फायदेमंद पाई गई है, ना कैंसर प्रिवेंशन में फायदेमंद पाई गई है, और ना ही उसके कैंसर के लिए कोई नुकसान है। तो ना फायदेमंद ना नुकसान है, ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं। तीसरी चीज, ग्रीन टी को लोग हार्ट के लिए अच्छा मानते। दोस्तों, हार्ट के लिए ग्रीन टी जरूर थोड़ा फायदेमंद है, इसलिए क्योंकि ग्रीन टी का बेटर इफेक्ट ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल कम करने में रिसर्च में पाया गया है। तो ग्रीन टी आपकी कोलेस्ट्रॉल थोड़ा कम करेगा और ब्लड प्रेशर थोड़ा कम करेगा। जब मैं कह रहा हूं थोड़ा, तो उसका मतलब है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर बाकी सारे कारणों की वजह से बढ़ रहा है, लाइफस्टाइल खराब की वजह से, कोलेस्ट्रॉल लाइफस्टाइल खराब की वजह से बढ़ रहा है, तो सिर्फ ग्रीन टी पीने से ना ब्लड प्रेशर ठीक होगा ना कोलेस्ट्रॉल। बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से आपको ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो उनको भी ठीक करना जरूरी है। लेकिन ग्रीन टी पीने से ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल में कुछ फायदा मिलता है, और इसी की वजह से हार्ट की बीमारियों का भी रिस्क थोड़ा सा कम होता है। As compared to black tea, green tea इस मामले में थोड़ी बेहतर है। और हाँ, black tea में भी ये कुछ फायदे थोड़े कम मात्रा में देखे गए। तीसरी चीज जो है,
वेट लॉस। दोस्तों वेट लॉस के लिए कई लोग ग्रीन टी पीते हैं, लेकिन दोस्तों वेट लॉस के लिए मैं बताना चाहता हूं, अब तक के किए गए रिसर्च में कोई एविडेंस नहीं है कि ग्रीन टी वेट लॉस में मदद करती है या ग्रीन टी की वजह से वेट बढ़ता है। तो वेट लॉस के लिए ग्रीन टी इफेक्टिव नहीं है फिलहाल के रिसर्च तक। आगे बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं, लेकिन अब तक काफी रिसर्च कर चुके हैं लोग, लेकिन कोई भी एविडेंस नहीं है इस चीज का। तो वेट लॉस के लिए नहीं काम करती, कैंसर रिस्क में कहीं काम करती, हार्ट के लिए थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन वो आपकी अलर्टनेस बढ़ाएगी। लेकिन दोस्तों अब ये हो गया है कि लोगों ने ग्रीन टी के एक्सट्रैक्ट्स को कॉन्सेंट्रेट तक कर दिया है और उसके कॉन्सेंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट कैप्सूल्स में गोलियों में बेचे जा रहे हैं। दोस्तों ये मैं आपको जरूर बता दूं कि रिसर्च में ये देखा गया है कि बहुत ही ज्यादा ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स लेने से आपके लिवर में डैमेज होने के चांसेस होते हैं, कई लोगों में ऐसा हो चुका है। इसीलिए अगर आप ग्रीन टी ज्यादा लेते हैं तो आपको लिवर का चेकअप कराना चाहिए, और अगर आपके लिवर में दिक्कत आ रही है तो ग्रीन टी लेना या उसका कॉन्सेंट्रेटेड वर्जन लेना आपको बंद करना पड़ेगा। इसी के साथ, क्योंकि ग्रीन टी में कैफीन है, तो अनलेस एंड अंटिल आप डीकैफ ले रहे हैं ग्रीन टी, तो कैफीन के साइड इफेक्ट्स आपको हो सकते हैं। हाई कैफीन इंटेक से आपको शेकीनेस, जिटर्स, नींद कम आना और सरदर्द भी हो सकता है। तो दोस्तों ग्रीन टी का सरदर्द में फायदा नहीं होता है, कई लोगों को ग्रीन टी से सरदर्द हो जाता है। हाँ, ये और बात है कि अगर आपका सरदर्द दूसरे किसी रीजन से, सर्दी से हो रहा है, तो ग्रीन टी या कोई भी टी, जिंजर टी, उसमें जो कैफीन है, उसकी जो गर्माहट है, उसके वजह से आपको आराम आ सकता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि ग्रीन टी सरदर्द का इलाज करती है ना। सो इनमें फर्क है हर चीज के रीजन में। तो दोस्तों ग्रीन टी के ये फायदे और नुकसान प्रूवन है। इन चीजों को आप US नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी की वेबसाइट पे जाके रिसर्च खुद करके वेरीफाई कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से कई ऐसे खाने पीने की चीजें हैं जिनमें अनगिनत मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, गलत धारणाएं चलाई जा रही हैं और आपको हर वक्त हर जगह देखने को मिलती है। कोई डॉक्टर भी कह रहा है, कोई दूसरा फलाना कह रहा है, कोई आयुर्वेदिस्ट कह रहा है। अपना रिसर्च करिए और खुद डिसाइड करिए आपके लिए क्या बेहतर है क्या नहीं। और हमारे वीडियोस देखते रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन।